इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात कर रहे हैं इस नॉनसेंस इंसान के बारे में। लाइक लिटरली मुझे इस पर इतना गुस्सा आता है। ये आदमी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है और आप फोटो देख के समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, इस इंसान की दो दो वाइफ हैं और इसके पीछे इन लोगों ने अपनी एक अलग कहानी बना के रखी है कि पहले इसकी शादी पायल, जो कि इसकी पहली वाइफ है, उससे हुई। उसके बाद कृतिका, जो पायल की दोस्त थी, इसके घर रहने आई और इन दोनों में 6 दिन में पायल के पति और कृतिका में प्यार हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद जब पायल को पता चला तो उसको काफ़ी बुरा लगा। देन उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि अब मेरी सौतन बन गई है, उसके साथ रह लूँगी। बट वॉट इज़ दिस नॉनसेंस? पायल इस सब के पीछे कहती है कि मेरे पास उस समय कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी शायद उसको एक बेबी हो गया था और वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वेट गाइस, जैसे कि ये लोग बिग बॉस में भी गए हैं, सब जगह गए हैं, पायल, कृतिका और अरमान को मिला के इन लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और अब तो पायल के और कृतिका के और अरमान के सेपरेटली काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और अच्छे से इस्टेब्लिश भी हो चुकी हैं दोनों लड़कियाँ, लाइक पायल एंड कृतिका। तो अब ये इस इंसान को छोड़ क्यों नहीं रही? आई मीन दिस इज़ सो हिपोक्रेट। जितना हिपोक्रेट एक आदमी है, इस पर पहले भी पॉस्को और ये सारे एक्ट्स लग चुके हैं, देन उसके बाद ये दो दो बीबियों के साथ रह रहा है। और सो सेम ऑन अस कि हम लोग ऐसे इंसानों को देखना पसंद कर रहे हैं नेशनल टेलीविज़न पे, इनको बिग बॉस में बुलाया जा रहा है और ये इतना सारा फेम कमा रहे हैं। लाइक लिटरली मुझे तो इनकी कहानी काफ़ी फेक लगती है और लगता है फेम और पैसों के लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं, वरना कौन दो लड़कियां आज के ज़माने में इतनी पागल होंगी जो एक दूसरे की सौतन बन के एक ही इंसान के साथ रह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पायल के अकॉर्डिंग इतनी टॉक्सिक कंडीशंस थी और उसको रिलेशनशिप में रहना पड़ा, तो अब तो छोड़ सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।